दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बीते समय में तरन तारण पट्टी में जो कैथोलिक चर्च पर हमला हुआ था और जो अमृतसर में डडुआना में भी चर्च पर हमला हुआ था, तो इसकी जो खबर है ये पूरे इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच चुकी है। और जो तरन तारण पट्टी है उस चर्च में ऑस्ट्रेलिया से एक जर्नलिस्ट और फिल्म मेकर और प्रोड्यूसर जो हैं, जिनका नाम है फर्नांडो रोमेरो, उन्होंने उस चर्च में विजिट किया है और उस चर्च में उन्होंने वहाँ के पेरिस प्रीस्ट फादर जी से बात की है कि ये घटना कैसे हुई है और ये घटना किन लोगों ने की है। और जो वो पत्रकार और जो वो प्रोड्यूसर ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, उन्होंने ये प्रण किया है और उनको आश्वासन दिलाया है कि ये जो खबर जो भी हुआ है वहाँ पर, इसको वो इंटरनेशनल लेवल तक उठाएंगे और इस खबर को पूरी दुनिया में, इस खबर को पूरी दुनिया में चलाएंगे और पूरी दुनिया के लोगों को बताएंगे कि कैसे इंडिया के जो पंजाब स्टेट है वहाँ पर कैसे क्रिश्चियन लोगों के साथ जो उनका क्रिश्चियन लोगों का विरोध हो रहा है, क्रिश्चियन लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं और क्रिश्चियन लोगों का जो पवित्र शब्द हालेलुया है उसका मजाक बनाया जा रहा है, कैसे एक खास कम्युनिटी के द्वारा क्रिश्चियन लोगों को टारगेट किया जा रहा है और उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जो लोग क्रिश्चियन लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं जानते कि ये कौम दबने वाली नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि बीते समय में जो ऐसे लोग थे उन्होंने 12 को दबाने की कोशिश की है, तो अभी हम 400 करोड़ हो चुके हैं। तो सोचिए, अगर ये 400 करोड़ को दबाने की कोशिश करेंगे तो हमारी गिनती कितनी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है इसीलिए बनाया गया है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो लोग हैं जो ये घटिया हरकतें कर रहे हैं और जो आगे इनकी जो अगर प्लानिंग है कोई कि ये फिर किसी और चर्च पर हमला करेंगे, तो ये एक बार उस चर्च पर हमला करने से पहले सोच लें कि ये जो खबर है ये अब इंडिया तक या पंजाब तक सीमित नहीं रह चुकी और ये जो लहर उठ रही है विरोध की, ये पूरे इंटरनेशनल लेवल तक उठ रही है। तो ये दोबारा फिर ऐसा काम करने से पहले 100 बार सोचेंगे कि हम ये काम ना करें, क्योंकि इससे इनको पता है कि आगे जाके इनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तो ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी को जय मसीह की।